हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन साई। दोस्तों, मुझे बहुत सारे दोस्तों पूछे कि मैं तो चैनल बना दिया हूँ और मेरा वीडियो भी दो तीन डाल दिया हूँ और मेरा चैनल को सर्च करता हूँ जब भी वो मेरा सर्चिंग में नहीं आता है, और मैं जब फ्रेंड को भी बताता हूँ मेरा चैनल सर्च करने के लिए, उसका मोबाइल में भी चैनल सर्च नहीं हो रहा है या ढूंढने में भी नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, आज मैं ऐसा टिप्स एंड ट्रिक बताऊँगा कि आपका चैनल सबसे पहले दिखाएगा और थोड़ा ढूंढने में आसान होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो टिप्स नंबर वन, आप जब भी YouTube चैनल खोलना सोचेंगे तो आप नाम भी देना चाहेंगे उस चैनल का, वो जो आप नाम देना चाहेंगे उस नाम को आप YouTube में पहले सर्च कीजिए, उसी नाम में कौन सा चैनल है, कितना चैनल है आप सर्च कीजिए। बहुत ज़्यादा उस नाम में होगा तो चैनल आप उसी नाम को मत दीजिए, थोड़ा डिफरेंट नाम, यूनिक नेम चूज कीजिए, और यूनिक नेम देने से आपका चैनल सर्चिंग में जल्दी आएगा और ढूंढने में भी आसान होगा। टिप्स नंबर टू, तो दोस्तों आप जब वीडियो बनाते हैं, एक दो वीडियो डाल के आप ढूंढते रहते हैं आपका चैनल को, वो ऐसा मत कीजिए। कम से कम 8-10-12 वीडियो डालिए और थोड़ा टाइम दीजिए। टाइम देने से थोड़ा यूट्यूब आसान हो जाएगा, तो सर्चिंग में आने के लिए व्यूज़ भी थोड़ा आ जाएगा उसमें से। और टिप्स नंबर थ्री, आप जब वीडियो डालते हो चैनल पर तब आप टैग भी लगाते हो। आप नहीं पता है तो टैग मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, आप उसी बारे में पता चल जाएगा। तब जब वीडियो में आप टैग लगाते हो तो वीडियो में आप चैनल का नाम रिलेटेड कुछ टैग लगा दीजिए, जैसा कि मेरा चैनल का नाम है इन्फॉर्मेशन साई, मैं इसमें मेरा चैनल का नाम रिलेटेड कुछ भी दे देता हूँ, इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन टिक्स, ट्रिप्स, ऐसा कुछ भी नाम टैग लगा देता हूँ, तो मेरा वीडियो आसान से सर्चिंग में आ जाता है। तो ऐसा करके भी आपका वीडियो सर्चिंग में ला सकते हैं, आप चैनल का नाम भी जब सर्च करेंगे तो सबसे पहले आपका चैनल दिखाएगा। दोस्तों, मैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप आपको दिखाऊंगा और इस वीडियो में मैं बताया कि चैनल में टैग कैसे लगाते हैं, और उसे फॉलो कीजिए, आपका चैनल थोड़ा सर्चिंग में आसान होगा और ढूंढने में भी जल्दी से मिल जाएगा। दोस्तों, हम आ गए हैं अभी मोबाइल स्क्रीन पे, जाएंगे क्रोम को, क्रोम को जाके www.youtube.com डालेंगे, और याद रखिए आप क्रोम को डेस्कटॉप मोड में डाल के ये करिए। अभी मेरा चैनल खुल गया है, राइट साइड टॉप कॉर्नर में आप जाएंगे, आप चैनल का लोगो को क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप थोड़ा प्रोसेसिंग हो रहा है, ओपन होने के बाद आप जाइए यूट्यूब स्टूडियो में क्लिक कीजिए। यूट्यूब स्टूडियो ओपन हो रहा है अभी। यूट्यूब स्टूडियो ओपन होने के बाद आप जाइए नीचे और लेफ्ट साइड कॉर्नर को लास्ट देखिए, उसमें सेटिंग का लोगो है, उस सेटिंग का लोगो को आप क्लिक कीजिए, कुछ ऐसा ही दिखाएगा। उसके बाद आप जाइए, पहले जनरल लिखा हुआ है, नीचे चैनल में आप क्लिक कीजिए दूसरा नंबर पे। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे ओपन हो गया है मेरा चैनल का टैग, में कैसा दिया हूँ कीवर्ड्स, और देखिए पहला आया है चैनल का नाम लिखा हुआ है, जो कि मेरा नाम इन्फॉर्मेशन साई लिखा हुआ है, नीचे कीवर्ड्स दिया हुआ है। मैं मेरा चैनल में जो जो वीडियो जिस बारे में डालता हूँ उसी बारे में आप थोड़ा कीवर्ड्स दे दीजिए, जैसे इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, ऐसा यूट्यूब, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, आप देखिए टिप्स ऐसा कुछ लिखा हुआ है, आप जो भी आपका चैनल के बारे में है वो सब कीवर्ड दे दीजिए। और मैं अभी एक छोटा सा वर्ड लिखता हूँ, जैसे कि यूट्यूब, आप वो वर्ड लिखने के बाद कॉमा दीजिए, कॉमा देने के बाद एंटर कीजिए, तो आपका कीवर्ड्स यहाँ पे रेडी हो गया। ऐसा करने के बाद आप नीचे कैंसिल और सेव लिखा हुआ है, आप सेव को क्लिक कीजिए। आप नीचे देखिए, आप सेटिंग सेव्ड लिखा हुआ है ब्लैक में, आप होने के बाद थोड़ा टाइम दीजिए, कम से कम 2-3 दिन में वो अपना दिखने लगेगा आपका नाम।